एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपने पत्नी बिमला और दो बच्चे के साथ रहता था। राम के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वो स्थानीय बाजार में बेचने के लिए फल और सब्जी उगाया करता था। हर दिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद राम मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन, काश मेरे पास और जमीन होती तो मैं अच्छे से सब्जी उगा पाता। फिर बिमला ने, क्यों ना सब्जियाँ उगाने के लिए जमीन किराए पे ले लो। मैंने धनिया चाचा से कहा था कि अपना खेत मुझे किराए पे दे दो, वैसे भी खेत खाली रहता है, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। लोग सच्चे कहते हैं जी, दूसरे का तरक्की नहीं देख सकता है। और ऐसे बात करते ही वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन अपने खेत से गुजरते हुए राम ने एक अजीब पेड़ देखा, जो कि वो कभी भी नहीं देखा था। पेड़ चमकते जामुन से भरा था, जो कि जामुन बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। राम ने जामुन के पेड़ के पास जाने लगा और एक जामुन तोड़ के खाया तो बहुत ही मीठा था। राम, क्यों नहीं मैं जामुन लेके बाजार जाऊं और बेचूं, लोग खाएगा तो फिर आएगा दुकान पर, तब तो मैं अपने परिवार का पेट भर खाना खिला सकता हूँ। अगले दिन राम ने दुकान लगाया और सब रोज के तरह इक्का दुक्का ग्राहक आया। आज भी ज्यादा का कमाई नहीं हुआ। राम अपने मन में सोच रहा था, तभी नजर पड़ गया राम को जामुन पर और बोला, धत तेरी के, मैं तो जामुन लगाया ही नहीं, यह तो साइड में रख दिया था। राम जामुन को जैसे ही लगाया तो एक ग्राहक ने खाया जामुन तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा और राम से बोला, क्या बात है राम भैया, बहुत ही स्वादिष्ट जामुन है, मैं तो ऐसा जामुन आज तक नहीं खाया हूँ। क्या बात है राम भैया, जामुन बहुत मीठा है और बहुत स्वादिष्ट भी है। एक गांव में राम नाम का लड़का रहा करता था। उसका माँ पापा बचपन में ही छोड़ के चला गया था। राम एक चाय के दुकान पे काम करता था। एक दिन राम चाय के गिलास को साफ कर रहा था तो तभी अचानक से गिलास हाथ से छूट गया और गिलास टूट गया। तभी दुकान मालिक आया और राम से बोला, तुम कोई काम का नहीं है, बचपन में अपने माँ पापा को खा लिया और मेरा अभी कितने का नुकसान कर रहा है, निकल जा मेरे दुकान से अभी। मालिक, गलती हो गया, लेकिन ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं चला जाता हूँ अब, जाने लगा। चलते चलते राम एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो काम भी नहीं है। तभी राम देखता है एक सब्जी वाला आवाज मार के अपने सब्जी को बेच रहा था। राम गया सब्जी वाले के पास और बोला, चाचा गाजर कैसे दे रहे हो, 20 रुपए किलो दे रहा हूँ। चाचा टमाटर कितने रुपए दे रहे हो, 2 का 1 दे रहा हूँ। चाचा 1 रुपए का 1 लगा लीजिए। ठीक है, कितना चाहिए। चाचा 50 पीस दे दो। राम टमाटर लेके चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ के बेचने लगा टमाटर। टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर ले लो।